और ये तीन लोग हैं, तीनों लोग को, इन लोग को कोई काम नहीं है। हेलो दोस्तों, जय श्री शंभु, मैं पूनम, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो भाई आज हम लोग ग्रुप कैंपिंग करने वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और नेचर की इन खूबसूरत नज़ारों को देख सकें। मिलके फटाक से टेंट लगा दो। ले जाओ उसी मंदिर बिछा लो, नहीं तो यहाँ सोना होगा तो इसमें रहने दो। बैठना नहीं है ना इसके ऊपर। क्या है क्या यार, अब बढ़िया मौसम हो रखा है। ठीक है, नहीं एक काफी हो गया, और थोड़ी देर बाद मुझे भूख नहीं लग रही है मीनू। हां थोड़ी देर में लगेगी। मां चिप्स दे दो। तो हम लोगों ने देखिए टेंट वगैरह लगा लिया है। आज हम लोगों ने दो मतलब शेल्टर लगाया है, एक हमारा ट्रैप शेल्टर हो गया और एक हमारा टेंट हो गया, ताकि हम जो बच्चे वगैरह वो पूरे अच्छे से एंजॉय कर सके। चीयर्स तो करते पीने की तैयारी करने जा रहे हैं। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे गोभी लिया है, आज हम लोग इसकी पकौड़ी बनाएंगे और आलू वगैरह सब मिक्स करके बनाएंगे। और इसकी पकौड़ी तो वैसे भी टेस्टी लगती है, आपको तो भी पता है। बात तो सही है। बिना धोए कौन खाता है।
देखो ये सेफ हैं, फटाफट काट रहे हैं तेज स्पीड में। अरे कीड़ा भी आ गया, वो भी कर लिया। तो ये देखिए, हमने आलू को गोल गोल काट लिया। इसका हम लोग बनाएंगे कतरा। ये भी एक तरह का पकौड़ी ही होता है, पर हमारे तरफ में कतरा बोलते हैं। आलू की पकौड़ी आपके तरफ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। और ये देखिए, एक दे दो। हमने फिंगर चिप्स के लिए आलू कट किया है इस तरह से। अब ये देखिए, ये है गोभी, इसकी भी हम लोग पकौड़ी बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत सारे रेसिपी बनाने वाले हैं अपने इस प्यारे प्यारे पिकनिक वाले कैंपिंग में। तो हम लोगों ने पकौड़ी के लिए सारी चीजें रेडी कर लिया है। अब जा रहे हैं हम लोग फटाफट बनाने। तो पहले हम गोभी की पकौड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हम गोभी को रेडी कर लेते हैं, बेसन वेसन में बढ़िया मिला मिला के सारे मसाले वगैरह डाल के मैंने। हाँ बारिश स्टार्ट हो गई, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, झमाझम बारिश होगी। निकालो छाता, निकालो खोल करके यहाँ पे। ये देखिए बारिश आ गई है, तो हम लोगों ने ऊपर से ब्लैक वाली पॉलिथीन डाल दी है। अब इधर का कार्यक्रम ये है, गोभी जो है पूरा बेसन मसाला सब कुछ मतलब रेडी हो गया है। अब बस पकौड़ी छानना छानना है। हम लोग फटाफट यहाँ तेल रखेंगे गैस पे, और गोभी और प्याज दोनों है। हाँ, गोभी प्याज दोनों अच्छा लगता है ना। बारिश हो रही है लगातार, हम बैठे हैं अंदर मजे में। ये तीन लोग हैं, तीनों लोग को इन लोग को कोई काम नहीं है। पकौड़ी है उसको बना लिया है। अब हम जा रहे हैं बनाने आलू का कतरा। एक तरह से भी पकौड़ी है, बहुत लोग पकौड़ी बोलते हैं पर हम इसे कतरा बोलते हैं। हाँ, बहुत ही टेस्टी लगता है हमें। इसी तरह से लौकी को भी बनाते हैं। नहीं वहाँ नहीं जाओ, क्या कर रहे हो शिवराज? अरे पापा, दिखाओ दिखाओ। अरे ये देखो पानी। ओहो, पानी बरसा था। तुम क्या तोड़ रहे हो, तोड़ के दिखाओ एक बार।
कितना डालना है। जूते के अंदर के उसको हटा दो। दिखाई दे। क्या बना रहे हो सूरज? पेड़ लगा रहे हो? तुम बिना सोच के चले जाओ, जाओ उधर। ये पूरा गृहस्थी का सामान फैला रखी है यहाँ पे। भैया जब औरतें खाना बनाती तो ऐसे ही होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि औरतें ही संभालेंगी। ये बन रही है एकदम पहाड़ी चटनी, पत्थर से घिस घिस के। सेह भी पहाड़ी है, पिथौरागढ़ से भी लाए गए। वो तो तीन स्टेट से लोग हैं, यूपी हरियाणा। कुछ नया ही बनेगा आज लग रहा है। ये खटाई डाल देना है, एक चम्मच डेढ़ चम्मच। ये घर में बनाया हुआ है पापा, और ये छोटा हो गया, ये टूट गया ऐसे। ओके, ये चाय बन रही है और ये फिंगर चिप्स बन रहे हैं, और इधर है ये आलू के पकौड़े और वो है गोभी के पकौड़े। आए बहुत आइटम है, चटनी चटनी स्पेशल चटनी। कैसी बहू होगी मैं ये सोचती हूँ। मैं अपनी सास का नंबर दूंगी और अपने पति का भी ना पूछ लेना। नहीं उस व्यवहार में तो परफेक्ट होगी। अरे बहू चाय भी तो गर्म करनी है अभी। देखो उसको सब को रख नहीं सकते हैं नीचे के, भले गिर जाए वो। इनको क्या चाहिए? क्या बच्चों बाहर उतरना? अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसे ही बैठे रहो, प्यारे लग रहे हो। बहुत धूप है, मुझे लगा इतनी दूर से मैं पास में, गरम लगा यहाँ से।
पहले क्या बोल रही थी इसका, मैं ज्यादा चाय नहीं पीती फिर कहेंगे खराब हो गया, फिर हमारे उससे लेंगे अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों को ना हमेशा याद रहती है तेरे शिवराज के, थोड़ा आदत नहीं है। सारा पी जाऊंगा, सारा पीना। तो दोस्त लोगों अब ये लोग ना इस सब देखो सामान को ये लपेट रहे हैं, कैसा कर देते हैं ये, ये देखो ये मेरी बहू है ये काम कर रही है बहुत अच्छा। साथी हाथ बढ़ाना चलो अलग अलग करो उसमें।